नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गार्डनिंग के चैनल पे। और अगर मैं एक दिन भी वीडियो ना डालूं तो इतने सारे कमेंट आते हैं कि आपने नया वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आज दोस्तों मैंने वैसे बनाना भी नहीं था, तो ये हिबिस्कस के सुंदर सुंदर फूल दिखाते हुए, कुछ बंदर भी तोड़ गए नहीं, अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिले हुए थे। तो दोस्तों मैं गार्डन की रिनोवेशन कर रही थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको जो ग्रीन कलर के गमले नज़र आ रहे हैं ये मैंने कल ही पेंट किए हैं। और बस मैं इसी काम में लगी हुई थी, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी या मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो बस मैं इसी इन्हीं को पेंट करने में, गार्डन को और ज़्यादा सुंदर बनाने में लगी हुई थी। इस तरफ के रह गए हैं, इस तरफ के आज देखो धूप अच्छी सी निकलती है, तो क्योंकि दोस्तों अच्छी धूप निकले ना तभी मज़ा है इस काम को करने में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने गार्डन को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना है, और भी ज़्यादा आपको लगे कि आपके पौधे जिस भी गमले में लगे हुए हों और सुंदर लगें, तो सबसे पहले आप अपने मनपसंद का कलर अपने गमलों पे कर दें, ताकि आपके पोट आपके जो आपके चॉइस का कलर है उसके हिसाब से हो, और प्लांट तो आपने अपनी चॉइस का लगा ही रखा है। तो दोस्तों बार बार पानी देने से, और देखो धूप बरसात हवा सब कुछ सहते हैं ये, तो हमारे गमले जो हैं वो रफ हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पेंट करते रहते हैं अपने गमलों को टाइमली, तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है और देखने में भी दोस्तों आपका गार्डन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगता है, कि वाकई में ही आपको खाली पौधों का ही शौक नहीं है, आपको मेंटेनेंस करना भी अपने गार्डन को बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों बस यही आपको देखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इनको अरेंज करूँगी ना अच्छे से, अभी तो दूर दूर करके दोस्तों पेंट करना था, नहीं तो फिर आपस में लग के कलर भी ख़राब हो जाता, और बड़े बड़े गमले थे ये, तो उधर वाले जो हैं उनको देखती हूँ मैं, ग्रीन ही करती हूँ या ब्लू करती हूँ। तो मतलब ये कि आपको जैसा भी कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से अपने गमलों को पेंट करें। और वाकई में दोस्तों इस काम में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो वैसे काफ़ी मज़ा आता है इन छोटे छोटे कामों को करने में। तो और गार्डन भी आपका सुंदर लगता है, प्लांट लगे हुए भी सुंदर लगते हैं। जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं, तो हमारे पौधों का भी तो घर है ये, और इनको सुंदर सुंदर बना के रखना ये भी हमारा काम है। क्योंकि भले ही आप कितना सुंदर नया गमला ले आओ, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो रफ होना शुरू हो ही जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो और या वो किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, कोई भी मटेरियल हो। तो बस दोस्तों मैंने वीडियो कल इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं बस इन कामों में लगी हुई थी, इनको ही सुधारने में लगी हुई थी, और अच्छा लग रहा था मुझे काम करना, मेरा दिल कर रहा था। प्लांट तो हमने काफ़ी सारे लगा ही दिए थे, लेकिन जिन गमलों में प्लांट लगे थे अब उनको भी सुधारना हमारा ही काम है। तो बस कल मैं इसी काम में लगी रही, और बस इन सुंदर सुंदर फूलों का मजा तो हम लेते ही हैं, लेकिन जिस पॉट में लगे हुए हों अगर वो भी बहुत सुंदर तरीके से कलर किया हुआ हो या सजाया हुआ हो, वो आपके अपने ऊपर आप कैसे डेकोरेट करते हैं। जैसे मैं कुछ कुछ और भी डिज़ाइन बना देती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, अब मैं बिल्कुल सिंपल ही रखूंगी इनको, क्योंकि फिर दोस्तों आप दोबारा से पेंट करते हो ना, वो डिज़ाइन छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कल देखा पेंट करके, तो दो दो बार कोट करना पड़ा मुझे, और ऊपर से मैंने इसलिए छोड़ रखा था, मैं थोड़ा बाउंड्री सोच रही थी किसी और कलर की कर दूँ। तो ये देखिए हमारे सारे प्लांट कितने अच्छे चल रहे हैं, और मौसम भी अब सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ना शुरू हो ही गया है, लेकिन दो दिन से दोबारा से काफ़ी ठंड हो गई है। परसों तो मैंने वीडियो डाला ही था, प्लांट लगाए थे, कल बस हिम्मत मार के मेरा मन भी था, और लेकिन मौसम ऐसा था नहीं कि पेंट करने वाला हो, लेकिन फिर भी मैंने कर ही दिया थोड़ा बहुत काम। आज देखूंगी अगर धूप अच्छी निकलती है तभी करूंगी। तो बस दोस्तों इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ आपसे विदा लेती हूँ मैं, और बिल्कुल आप अपने गार्डन को ऐसा कलरफुल बना दें अगर वाकई में पौधों का शौक है तो। और ये देखो शैम्पू की बेकार बोतल थी, किसी भी चीज़ को बेकार ना जाने दिया करो, देखो कितने सुंदर प्लांट चल जाते हैं इनमें, छोटी छोटी बोतल्स में भी। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।